अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको बुलाकर वेबसाइट के ऊपर सीपीएम करने का तरीका, और यूट्यूब के ऊपर सीपीएम करके लाखों रुपए कमाने का तरीका, और इस वेबसाइट या इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वाच टाइम लेने का तरीका आपको मुकम्मल स्टेप बाई स्टेप समझाऊँगा। और अगर वाच टाइम की बात करें तो मैंने ऐसे वॉच टाइम लिया है, पहले 1372 घंटा लिया था, उसके बाद मैंने 900 घंटा लिया है, मतलब 2000 घंटा मैंने इसी से वॉच टाइम लिया है, और एक सेकंड भी ड्रॉप नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो आईपी है वो हर दोस्त 3 सेकंड के बाद शफल होता रहता है, हर 5 सेकंड के बाद इसका आईपी इंडिया से आएगी, फिर जर्मनी, फिर दुबई, फिर लंदन, फिर अमेरिका, यूएसए, पाकिस्तान, इस तरह शफल होता रहता है। और यूट्यूब जो है इसकी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये बंदा एक्चुअल व्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं, जिसकी वजह से इसका ना ही वॉच टाइम ड्रॉप होता है, और ना ही इसके व्यूज़ ड्रॉप होते हैं, ना ही इसका सीपीएम ड्रॉप होता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी आईपी चेक करवाता हूँ कि आईपी इसका किस तरह शफल होती है। सबसे पहले देखें कि इसकी लैंग्वेज देखें, ये देखें ये पता नहीं कौन सी इसकी लैंग्वेज आ रही है। सबसे पहले तो हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसका ये होता है कि कभी कहीं की इसकी लैंग्वेज होती है, कभी कहीं की, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज होता है। ये इसको मैं इंग्लिश कनेक्ट करता हूँ ताकि इसकी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश में चेंज हो जाए। अभी मैं यहाँ पर अपना माई आईपी एड्रेस चेक करते हैं कि मेरा आईपी एड्रेस कहाँ का आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये व्हाट्स माई आईपी एड्रेस, ये मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपना जो इस टाइम जहाँ का आईपी एड्रेस आ रहा है वो मुझे शो कर देगा। तो ये आईपी एड्रेस खोल रहा है, ये कह रहा है जी जर्मनी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये आखिरी देखें 215 एड्रेस जो है 185/7/47 आखिरी देखें 215, ठीक है। मैं इसको दोबारा वापस करता हूँ आपके सामने ही, ठीक है। वापस करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ google.com और दोबारा देखते हैं, आपने देखा 215 था, अभी दोबारा हम दोबारा देखते हैं कि माई आईपी एड्रेस, अभी देखते हैं उस टाइम हमारे पास 215 था, अभी देखते हैं कि अभी आईपी एड्रेस कौन सा आ रहा है, कि ये किस तरीके से ये शफल करता है जिससे ये पकड़ा ही नहीं देता YouTube को, YouTube के एल्गोरिदम को, उसको कख भी पता नहीं चलता। अभी देखें इसका अभी आ रहा है जी यूनाइटेड स्टेट से, और ये इसका आईपी एड्रेस है, और ये देखें ये भी इसका आईपी एड्रेस है। आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मज़े करेंगे। इसके लिए जो ब्राउज़र है इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं टोर ब्राउज़र। तो सबसे पहले मैं उसको जाके तो ओपन कर लेता हूँ, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसके साथ कनेक्ट होने में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये कनेक्ट टू टोर ब्राउज़र यहाँ पे ऐसा ऐसा ही शो कर रहा है, तो ये ऐसा ऐसा इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, तो इस तरह इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाएँगे इसमें आके, आपने यहाँ पर देखना है एक ऑप्शन होगा एड्स वन का, ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आके आपने एक एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है इसके साथ, इसको कहते हैं टैब रीलोडर। ये क्लिक करने के बाद आप इसको इंटर को प्रेस करेंगे तो ये एक्सटेंशन आपके सामने आएगी, ये वाली, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स को क्लिक करेंगे तो मैंने इसको ऑलरेडी, जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, मैंने क्योंकि ऑलरेडी ऐड की हुई है और मैं इसे अर्निंग करता रहता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने एक्सटेंशन कहाँ मिलो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी एक्सटेंशन ऑलरेडी इसके साथ ऐड है, ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेबसाइट के ऊपर इसके ऊपर व्यूज़ किस तरह लेने हैं, और अपनी वेबसाइट ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर आपने इसके ऊपर अर्निंग किस तरह करनी है, सीपीएम किस तरह करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च करेंगे, आप जिस वेबसाइट के ऊपर आपने व्यूज़ लेना है आप सिर्फ 2 सेकंड देखेंगे, 2 मिनट, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पास हज़ारों व्यूज़ आ जाएंगे, और गूगल को और यूट्यूब को पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना एक मेरी एक ब्राउजिंग वेबसाइट है यहाँ पे उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो है वो सर्च कर लेता हूँ। जो ही मैंने सर्च किया कि ये तो ये टॉप पे मेरे गलबन यही वाली वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ यही है या कोई और है। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले व्यूज़ लेके दिखाता हूँ।
ये मेरा ब्लॉग सामने है, आगे आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये वाला ब्लॉग है के दी ओप्पो फाइंड एक्स थ्री प्रो, वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जी, इसके ऊपर 14 व्यूज़ हैं सैमसंग की। ये वाला अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मेरी वेबसाइट है और ये यही मेला यानी कि ब्लॉग है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चला जाता हूँ ये टोर ब्राउज़र के ऊपर, ये टोर ब्राउज़र के ऊपर है। उससे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके ये जो एक्सटेंशन है मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल करने से पहले आपने यहाँ पे टाइम देना होता है, ये है 5 में है, ये है मिनट का, ये है सेकंड का। मिनट वाले साइड पे आप इसको जीरो कर लें और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 3 सेकंड करके इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये 3 सेकंड के बाद, हर 3 सेकंड के बाद ये आपके पेज को रिफ्रेश करेगा। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसके ऊपर व्यूज़ लूँगा आपके सामने ही। इसका क्या करते हैं कि 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, जबकि वहाँ पे हमारे व्यूज़ थे 14, कहते हैं कि वहाँ पर व्यूज़ बढ़ते हैं या नहीं। देखिए ये हर 3 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होगा। एक बार जो आपका जो व्यूज़ है वो आएगा किसी और आईपी से, फिर आएगा किसी और आईपी से। मैं आपको तो आप जो है इससे कैसे आप फायदा ले सकते हैं, मिसाल तौर पर आप अपनी वेबसाइट खोलें, इसी तरह वेबसाइट खोलने के बाद इसी तरह आप पूरी रात इसको आप 5 सेकंड पे लगा दें, 7 पे, 10 सेकंड पे लगा दें इसको, इसको रात को चलने दें, तो सुबह उठेंगे तो आपके हज़ारों व्यूज़ होंगे। और गूगल के जो व्यूज़ होते हैं गूगल के थ्रू जो यूट्यूब करने के वो कम होती है, क्योंकि उसके 45% यूट्यूब खुद काट लेता है, जबकि गूगल के जो होते हैं ये इसके व्यूज़ पे 100% आपको रेवेन्यू मिलता है इसके ऐड के ऊपर। तो आपको सुबह तक हज़ारों व्यूज़ होंगे और इसको जो गूगल है वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि ये किस आईपी से आ रहे हैं। तो तकरीबन 1 मिनट हो गया मेरे हिसाब से, तो मैं आपको दोबारा जाके आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि व्यूज़ कितना हो चुके हैं और आप इस तरीके से लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं इस तरीके के ऊपर। ये सिर्फ डीप वेब और डार्क वेब के लिए इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको सारी डिटेल पहले वो बता चुका हूँ। तो मैं चला जाता हूँ आपने उसी ब्लॉगर के ऊपर। देखिए जी यहाँ पे 14 व्यूज़ थे थोड़ी देर पहले जब मैंने ये शुरू किया था, तो उस टाइम आपको दिखाया था। ये वेबसाइट है जो मैं इसको बंद कर चुका हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करता नहीं हूँ आपको दिखाने के लिए, वैसे ये पड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपको एज ए एक्सपेरिमेंट है आपको दिखा दूँ। ये 14 व्यूज़ थे तो मैं अभी इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ हुए हैं। देखें जी 31 व्यूज़ आ गए हैं, अभी 14 थे और अभी 16 व्यूज़ अभी आ गए हैं 1 मिनट में, 16-17 व्यूज़ 1 मिनट में। और ये व्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया से नहीं होंगे, ये यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं जिसकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह आप रात को इसी तरह लगा के रख दें इसको, तो सुबह तक आप देखेंगे कि वो अच्छे भले आपके व्यूज़ हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube वीडियो के ऊपर आपने सीपीएम वर्क किस तरह करना है, और उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इससे वॉच टाइम किस तरह लेना है, और अगर आपने दूसरे लोगों को वॉच टाइम की सर्विस देनी है जो कि 6000 8000 में 4000 घंटा दे रहे हैं, आप 2 दिन में आप वो कम्प्लीट कर लेंगे, मतलब कि 2 दिन में आप 6-7000 कमा सकते हैं आप ये सर्विस दे के। ठीक है, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को लाजमी क्लिक करें। और आने वाली वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर के बारे में, यूट्यूब के बारे में और वॉच टाइम के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा, ऐसा चीज़ सिखाऊंगा जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।